हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम ये वाला पॉइंट ख़त्म कर देते हैं, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, उसका ये भी मैंने बना के रख दिया है, बिल्कुल एक सिंगल से सिंगल पेज में। देखो भैया, कितना है ये? A4 साइज पेपर का हाफ है, वो भी वन साइडेड है। ठीक है ना, तो काफ़ी छोटे छोटे इसमें बनाया हुआ है। लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, लेवल्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अंडरलाइन किया हुआ है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छे से पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये पोर्शन आपको पहले से क्लियर होता है। डन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसमें से हमने कंट्रोलिंग भी पढ़ लिया अच्छे से। अब ये चार रहते हैं, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। डन। देखो, मैं अगर हम लेवल्स की बात करें, देखो फंक्शन तो यही है आपके पास, 1 2 3 4 5, बट लेवल्स की बात करें तो दो हैं, मैनेजर लेवल्स और नॉन मैनेजर लेवल्स। कौन से? मैनेजर लेवल्स और नॉन मैनेजर लेवल। देखो, मैनेजर लेवल को तीन पार्ट में तोड़ा हुआ है, टॉप, मिडल और लोअर। सबसे ऊपर, फिर मिडल, फिर लोअर। आपने बुक में देखा होगा पिरामिड टाइप का, यानी इस टाइप के, ठीक है, बनाया हुआ है। सबसे ऊपर टॉप, फिर मिडल और फिर उसके बाद लोअर, ये आपका लेवल है। ये तीन लेवल हैं। टॉप की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो डायरेक्टर टाइप के लोग टॉप में आते हैं आपके। उसके बाद मिडल की अगर हम बात करें तो मिडल में आपके डिपार्टमेंटल की डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर आ जाएंगे। ठीक है ना, उसके अलावा फंक्शनल मैनेजर आ जाएंगे या ड्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर आ जाएंगे। यानी जैसे डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, देखो सबसे ऊपर टॉप में के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स आ गए आपके, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ गए, CEO आ गया आपका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ गए आपके। मिडल में आपके डिपार्टमेंटल या फंक्शनल मैनेजर्स आ गए आपके। ठीक है, और जब लोअर की बात करें तो फोरमैन और सुपरवाइजर आ गए, यानी जो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज के काम को देखते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं कि वो सही से कर रहे नहीं कर रहे, तो फोरमैन सुपरवाइजर आ गया। ठीक है, अगर सुपरवाइजर देखो तो सुपरवाइजर एक वाइडर टर्म होती है, ये इंक्लूड करता है अपने आप में फॉरमैन को, इंक्लूड करता है। डन। तो फॉरमैन को अपने आप में सुपरवाइजर ही क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। तो फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजर सबसे नीचे लोअर लेवल पे है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका काम क्या होता है, देखो इसका काम होता है सबसे पहले तो पॉलिसीज बनाना, डिटरमाइन करना पॉलिसीज। सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन करना पॉलिसीज, ये इनका काम है। पॉलिसी को डिटरमाइन करना और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ये सबसे ऊपर इन्हीं का काम है। ये ना तो इसका काम है ना ये इसका काम है, और पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड काम इसी का ही है। और क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये भी कौन डिटरमाइन करेगा, टॉप लेवल। और उसके लिए बजट को अप्रूव करना हो, यानी कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, क्या बजट रहेगा, वो भी ये अप्रूव करेंगे, कौन, टॉप वाले। तो टॉप वाले का काम क्या है, बजट को अप्रूव करो, पॉलिसी डिटरमाइन करो, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो और एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करो। डन। कि एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, पॉलिसीज क्या होगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। डन। और ऑब्जेक्ट्स का बजट क्या रहेगा, ये सारा काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा आपका। उसके बाद आता है मिडल लेवल। मिडल लेवल क्या कर रहा है, जो ये पॉलिसी बनाई गई है ना, इसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, बताएगा आगे पॉलिसीज को, क्या करेगा, फॉलो करवाएगा, कौन, मिडल लेवल मैनेजमेंट। साथ ही साथ अब ये पॉलिसीज बन गई है, अब इस पॉलिसी को काम करने के लिए क्या एम्प्लॉयज चाहिए, तो एम्प्लॉय को अपॉइंट भी कौन करेगा, ये ही करेगा, ये एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट। और अपॉइंट करने के साथ साथ इनको कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज को मोटिवेशन कौन दे रहा है, मिडल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, और उनके बीच में कोऑपरेशन भी कौन में बना के रखेगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो हम जब इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में क्या अंतर होता है। ये मैं आपको ठीक इसके बाद जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाने वाला हूं तो उसके बाद बताऊंगा आपको कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या अंतर होता है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन क्या होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मिडल लेवल ने क्या करा, जो पॉलिसी डिटरमाइन भी थी यहाँ पे, उसको इंटरप्रेट करा, एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, उनको मोटिवेट किया और क्रिएट करा उनके बीच में कोऑपरेशन। ठीक है ना, क्या करा, कोऑपरेशन, ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके, ताकि वो गोल को अचीव कर सके, इसलिए ये कोऑपरेशन किया जाता है। अब आप एक पॉइंट और लिख सकते हो चाहे तो, ये हेल्प करते हैं किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। मिडल लेवल मैनेजमेंट हेल्प करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। डन। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ये सबमिट कर रहा है वर्कर्स के ग्रीवियंस, यानी ग्रीवियंस मतलब हो गया प्रॉब्लम्स। यानी अगर वर्कर जो ये सब चीज़ आए थे, अगर इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कौन कर रहा है, वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके दिक्कतों को आगे कौन सबमिट करेगा, आपके सुपरवाइजर या फॉरमैन करेंगे।
उसके अलावा उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा नहीं मिल रहा ये कौन देखेगा? जो सुपरवाइजर देख रेख के लिए रखे गए, उनकी सेफ्टी, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर कौन देखेगा? यही देखेंगे। साथ साथ ये हेल्प करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। अगर ध्यान से देखें तो ये हेल्प कर रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट की और ये हेल्प करता है मिडिल की, और साथ साथ ये वर्कर से रिलेटेड काम देख रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को सबमिट करेगा आगे ये दिक्कत हो रही है, एंश्योर करना कि उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा नहीं मिल रहा, सेफ्टी ऑफ वर्कर देखेगा और हेल्प करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। अब ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है ना, इसका देखो कई बार आया था सुपरवाइजरी लेवल, अगर कब से पूछा जाता तो सुपरवाइजरी लेवल इसी को ही बोलते हैं। नंबर वन ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी जहाँ पे काम चलता है, ऑपरेशन जहाँ पे चल रहा है तो वो भी इसी को बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी यही होता है आपका। और फर्स्ट लाइन मैनेजर, अगर आपसे बोला किसी ने कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं, तो वो भी कौन होते हैं आपके, लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर इन्हीं को बोलते हैं। डन। उसके बाद आता है नॉन मैनेजरियल लेवल। इसने बोला नॉन मैनेजरियल में आता है वर्कर्स आते हैं आपके, कौन आते हैं? वर्कर्स आते हैं। ये एट द लोएस्ट लेवल ऑफ चेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे लोएस्ट लेवल की जो चेन है वो वर्कर की आती है। इनके नीचे कोई सबॉर्डिनेट नहीं होता। सबॉर्डिनेट मतलब हो गया आपके नीचे अगर कोई है तो उसको सबॉर्डिनेट बोलते हैं, तो इनके नीचे कोई बंदा काम नहीं करता, तो नो सबॉर्डिनेट, इनके सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं, इसलिए ये मैनेजर नहीं हो सकते। अब इनके नीचे कोई नहीं है तो किसके मैनेजर होंगे? किसी के नहीं, तो इनको मैनेजर नहीं बोलते हैं। और जिस प्लेस पे, द प्लेस एट विच सच इम्प्लॉयज वर्क, यानी जिस प्लेस पे वर्कर काम करते हैं उसे प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का फिर कोई हिस्सा, कोई है ही नहीं उसके नीचे काम करने वाला, तो यही प्लेटफॉर्म एरिया कहलाता है जहाँ पे वर्कर काम करते हैं। डन। फटाफट से एक बार देखो लेवल्स, मैनेजर लेवल, नॉन मैनेजर लेवल, फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजर लेवल टॉप, मिडल और लोअर। टॉप में हमारे पास बोला इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन डायरेक्टर टाइप के लोग यहाँ बैठा दिए, सीईओ टाइप के, ठीक है। डिटरमाइन करेगा पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज और अप्रूव करेगा बजट को। फिर ये आगे जो पॉलिसीज बनी थी वहाँ पे ये हमारे डिपार्टमेंटल या फंक्शनल मैनेजर्स आ जाएंगे, थोड़े डिपार्टमेंटल छोटे लेवल पर आ जाएंगे, तो ये इस पॉलिसी को इंटरप्रेट करेंगे, एम्प्लॉयज अपॉइंट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और क्रिएट करेंगे कोऑपरेशन, साथ साथ हेल्प करेंगे किसकी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। क्लियर है। उसके बाद लोअर में फॉरमैन सुपरवाइजर आ जाएगा। याद रखना सुपरवाइजर जब बड़ा होता है फॉरमैन से, फॉरमैन को अपने आप में इंक्लूड करता है। इसने बोला ये देख रेख करते हैं कि एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे, चेक करते रहते हैं, तो ये सबमिट करेंगे वर्कर की ग्रीवियंस, यानी जो प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको आगे सबमिट करेंगे, ये दिक्कत आ रही है, देखेंगे कि उनको एंश्योर करेंगे कि प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा नहीं मिल रहा, सेफ्टी ऑफ वर्कर देखेंगे और साथ में हेल्प करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। इनको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं, याद रखना। डन। फिर नॉन मैनेजर लेवल, यानी जो मैनेजर नहीं है, तो इसमें वर्कर्स आते हैं। ये लोएस्ट लेवल ऑफ चेन होती है, लोएस्ट लेवल ऑफ चेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये लोएस्ट लेवल ऑफ चेन होती है। नो सबॉर्डिनेट, इनका कोई सबॉर्डिनेट नहीं होता, इनके नीचे कोई नहीं होता, इनके लिए इसलिए इनको मैनेजर नहीं बोला जाता। और जिस प्लेस पे इस टाइप के लोग काम करते हैं उस प्लेस को प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं, याद रखना, क्योंकि इनके नीचे कोई सबॉर्डिनेट नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गई हो वीडियो, और अगर आपको समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे प्लीज़ शेयर, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि किसी का तो भला हो ही जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।